ईरान समर्थित हुती विद्रोही नवंबर 2023 से विश्व के सबसे व्यस्त समुद्री मार्गों में शामिल लाल सागर से गुजरने वाले जहाजों पर हमले कर रहे हैं। गाजा पर इजरायली हमले के विरोध में हुती जहाजों पर हमले कर रहे हैं। अमेरिका और ब्रिटेन ने गठबंधन बनाकर इन हमलों को रोकने की कोशिश की, लेकिन अभी तक उनकी कोशिश सफल नहीं हो पाई है। वहीं एक बार फिर लाल सागर में हुती विद्रोहियों ने तांडव मचाया है। यमन के हुती विद्रोही संगठन ने शनिवार को कहा है कि उनकी मिसाइलों ने लाल सागर में एंड्रोमेटा स्टार तेल टैंकर को निशाना बनाया। उन्होंने कहा है कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया है क्योंकि वो गाजा युद्ध में इसराइल से लड़ रहे फिलिस्तीनियों के समर्थन में क्षेत्र में कमर्शियल जहाजों पर हमला जारी रखे हुए हैं। आपको बता दें कि हुती विद्रोहियों का यमन के बड़े हिस्से पर कब्जा है और वहीं से वे अपनी गतिविधि चलाते हैं। UKMTO के अनुसार पहले मिसाइल हमले के कारण जहाज के पास एक विस्फोट हुआ और जहाज पर सवार लोगों ने इसे महसूस किया। इसके बाद जहाज पर दूसरे हमले में दो मिसाइलों से हमला किया गया जिसके परिणाम स्वरूप जहाज को नुकसान पहुंचा। लाल सागर में इस हमले को लेकर यमन आर्म फोर्सेस के प्रवक्ता यहासारी ने बताया है, नौसेना बलों ने लाल सागर में एक ब्रिटिश तेल जहाज को निशाना बनाया। استهدفت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى سفينة نفطية بريطانية اندروميدا ستار في البحر الأحمر، وذلك بعدد من الصواريخ البحرية المناسبة أدت إلى إصابة السفينة بشكل مباشر. ونجحت قوات الدفاع الجوي في القوات المسلحة اليمنية يوم أمس في إسقاط طائرة أمريكية نوع MQ-9 في أجواء محافظة صعدة، وذلك أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية وقد تم استهدافها بصاروخ مناسب. إن القوات المسلحة اليمنية تؤكد استمرارها بعون الله تعالى في تنفيذ المزيد من العمليات العسكرية نصرة للشعب الفلسطيني حتى رفع الحصار ووقف العدوان عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. نيوز أجنسي رايترز كي ريبورت كي مطابق ब्रिटिश समुद्री सुरक्षा फर्म एम्ब्रे ने कहा है, जहाज के मालिक ने जहाज के क्षतिग्रस्त होने की सूचना दी है। हुती के प्रवक्ता सारी ने कहा है कि पनामा के झंडे वाले जहाज ब्रिटिश स्वामित्व वाला था, लेकिन LSEG डेटा और एम्ब्रे के अनुसार शिपिंग डेटा से पता चलता है कि इसे हाल में ही बेचा गया था। बता दें कि ईरान गठबंधन हुती उग्रवादियों ने पिछले साल नवंबर के बाद से लाल सागर, बाब अल मंदब और अदन की खाड़ी में कई जहाजों को ड्रोन और मिसाइल से टारगेट किया है। हुती विद्रोहियों ने चेतावनी भी दी थी कि अमेरिका और ब्रिटेन का ये सोचना गलत है कि उनके हमलों से डरकर यमन, फिलिस्तीन और गाजा का समर्थन करना छोड़ देगा। हुती विद्रोहियों का कहना है कि वो लाल सागर में हमास के समर्थन में हमले कर रहे हैं और वो उन जहाजों को निशाना बना रहे हैं जो इसराइल के हैं या फिर कब्जे वाले फिलिस्तीन की तरफ जा रहे हैं। बीते काफी दिनों से कई देशों के जहाजों को भी निशाना बनाया जा रहा है। इसके चलते कई शिपिंग कंपनियां अपने जहाजों को दक्षिणी अफ्रीका के लंबे रूट से भेज रही हैं। इससे माल के ढुलाई की लागत बढ़ गई है और वैश्विक स्तर पर महंगाई भी बढ़ी है। अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग रूट से गुजरने वाले जहाजों को निशाना बनाने के लिए अमेरिका और ब्रिटेन की सेनाओं ने बीते दिनों यमन में हुती विद्रोहियों के ठिकानों पर हवाई हमले भी किए थे। हालांकि इसके बावजूद हुती विद्रोहियों के हमले नहीं रुक रहे हैं। भारत ने भी अपने अरब सागर और अदन की खाड़ी में अपनी नौसेना को तैनात किया हुआ है और युद्धक जहाजों में निगरानी भी बढ़ाई है। ऐसी आशंका जताई जा रही है हमास का एक युद्ध फैल सकता है और मध्य पूर्व को अस्थिर कर सकता है। एंड्रोमेडा स्टार पर हमला हुती समूह के अभियान में एक छोटे से विराम के बाद हुआ है जो इसराइल, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और ब्रिटेन से जुड़े जहाजों को टारगेट बनाता है। खास बात यह है कि हुती विद्रोही अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क की आंखों में भी आसानी से धूल झोंकने में कामयाब हो जा रहे हैं।